देख रहे हैं घाट पूरी तरह से फुल है। अभी हम जाएंगे नीचे नीचे। टाइम 11 बजने को है। ये है धनुष ब्रिज और यहाँ से गंगा जी के जो दृश्य है वो काफ़ी सुंदर है, आपको दिखाई देंगे बहते हुए गंगा जी की धारा और जो ब्रिज के पिलर है वो आपको नज़र आएंगे। काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पे स्नान कर रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या, बहते हुए गंगा की धारा, ऊपर ब्रिजों पर चलते हुए गाड़ी और भगवान शिव की ऊँची मूर्ति। और हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे, सुबह के 11 बजने को है और हम आ चुके हैं हर की पैड़ी पे। देख रहे हैं दोनों ओर कितनी ज़्यादा श्रद्धालु आपको देखने को मिलेगा और आज भी कुछ लोग एकादशी स्नान कर रहे हैं। ऐसे कल भी एकादशी स्नान था और आज भी काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। घाट पूरी तरह से फुल है। ये है जो दृश्य है, ये है नई घाट का दृश्य आप देख रहे हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी और सारे घाटों का दृश्य दिखाएंगे, जो कि प्रमुख रूप से जो घाट है खासतौर पर हर की पैड़ी महिला घाट और विष्णु घाट तक का दृश्य। और आप देख रहे हैं ये है बहती माँ गंगा की धारा जो कि आज भी धीमी है, नीली पादशी आज ज़्यादा हो चुकी है। बारिश की वजह से जो पादशी माँ गंगा की चली गई थी वो आप आ चुकी है। देख रहे हैं गंगा जी के आशीर्वाद के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो हजारों में लाखों में देखने को मिल रहा होगा आपको। यही वो प्रमुख घाट है जहाँ पे आप आते हैं माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और गंगा जी अपने साथ लेके जाते हैं पूजा पाठ के लिए। इधर प्रमुख घाट है, इधर आपको जाने के लिए चप्पल जूता बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ता है और इधर जाने के लिए चप्पल जूता बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, माँ गंगा की बहती धारा में आप देखेंगे स्पष्ट आपको जल के अंदर कपड़े दिखाई दे रहे होंगे और साथ में किनारे में भी कपड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉलिथीन दिखाई दे रहा होगा। गंगा जी को प्रदूषित ना करें और आप सब कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी वीडियो को देखे वो समझे कि गंगा जी किस तरह से प्रदूषित हो रही है। और आप देखेंगे यहाँ पे भारी मात्रा में देख रहे हैं कपड़े पॉलिथीन फंसे हुए हैं, ये कहाँ जा रहा है वो आप देख रहे हैं और भविष्य में हमें किस तरह के प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा ये भी आप देख ही रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप सबसे एक निवेदन और है, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको गंगा जी के पावन दर्शन घर बैठे होता रहे। तो चलते हैं आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। देख रहे हैं गंगा जी के दर्शन करने के लिए केवल इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और हमारे इंडिया से तो खैर लोग आते ही हैं, आप सब समझ गए होंगे। और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी देखें और समझें कि गंगा जी कितनी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है आगे। और ये जो दृश्य देख रहे हैं ये प्रमुख घाट में एंट्री के लिए चप्पल जूता रखने का स्थान है और ये है प्रमुख घाट में एंट्री का द्वार। देख रहे हैं यहाँ से हम प्रवेश करेंगे ब्रह्मकुंड के लिए जहाँ पे अमृत के बूंद गिरे थे और स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। देख रहे हैं श्रद्धालु की जो संख्या है अभी कितनी संख्या में आ रही है, भीड़ अब होने वाला है घाटों पे। और ये जो मार्ग है मोती बाजार की ओर गया है और आप देख रहे हैं क्रमशः यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप है जहाँ पे आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब भीड़ ज़्यादा नहीं होता तो आपको पैडल ई रिक्शे वाले यहाँ तक सेवा देते हैं। जब भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो कोतवाली चौक, जो कि हमने आपको कोतवाली चौक कहाँ पे है ये वीडियो हमने आपको पहले दिखा दिया है, परसों की वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो आप जाके ज़रूर देखें। कोतवाली चौक जितने भी चौक पड़ते हैं जब आप रेलवे स्टेशन से आते हैं सारे चौक का दृश्य हमने दिखाया था ताकि आपको किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हम जा रहे हैं अपर रोड की ओर।
ऐसे ही काफ़ी सारे शॉप आपको सजे दिखाई देंगे, होटल आपको दिखाई देंगे जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नीचे प्राइस से एक हाई प्राइस तक का रूम मिल जाएगा, चाहे वो होटल हो या धर्मशाला हो, सारे तरह के यहाँ पे आपको सुविधा मिलेगा। इसी मार्ग से ही होके आप मनसा देवी के दर्शन करते हैं। दोनों ही मार्ग मनसा देवी का पैदल और रोपे इसी मार्ग पे ही आपको पड़ेगा। दृश्य आपको दिखाते हैं, ये भी दृश्य है जो कि आपको अभी देखना है और हम आपको पूरे दृश्य दिखाएंगे घाटों पे जाके। यही प्रमुख मार्ग है आने का और श्रद्धालु इधर से जाते हैं घाट की ओर और गंगा जी के आशीर्वाद लेते हैं। देख रहे हैं ये है माँ गंगा की बहती धारा, स्नान करते हुए लोग और इधर स्नान के लिए आते हुए लोग। आरती के लिए जो श्रद्धालु है वो यहीं पे बैठे होते हैं, आपको जुम करते हैं यहाँ से लेके जो आपको डोर दिखाई दे रहा है वहाँ से लेके इधर की जो घाट होती है यहाँ तक फुल होता है। और इधर की बात कहें तो इधर की एरिया पूरा ये पीछे आपने देखा ही होगा भागीरथी सेतु, वहाँ तक पूरे लोग बैठे होते हैं। देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या जो कि गंगा जी में डुबकी लगा रही है, कुछ लोग यहाँ पे सोना चांदी सिक्के ढूंढ रहे हैं। देख रहे हैं और जल की धारा यहाँ पे काफ़ी तेज महसूस हो रहा है, ऐसा तेज नहीं है ज़्यादा तेज आज। देख रहे हैं मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। पीछे जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है वहाँ से लोग बैठना स्टार्ट करते हैं आरती के लिए। देख रहे हैं पूरा घाट, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग कपड़ा चेंज कर रहे हैं और कुछ लोग थोड़ा धूप ले रहे हैं गंगा जी की डुबकी लगाने के बाद। देख रहे हैं अस्थि यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो पूरे घाट फूल हो रखे हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं गोताखोर अंदर जल पे जाके सोने से सिक्के चांदी निकाल रहे हैं, इतनी जल शीतल है उसके बाद भी आराम से वो काफ़ी देर तक रुक सकते हैं। और यही है ब्रह्मकुंड घाट जहाँ पे लोग स्नान करते हैं आशीर्वाद लेते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे नमामि गंगे।